2010 यूथ वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 2011 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 3 बार एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2018 में कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर, लंदन और रियो ओलंपिक्स के बॉक्सिंग रिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और टोक्यो में टीम इंडिया के जुझारू मुक्केबाज। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी कथन को अब ओलंपिक्स के मैदान में दमदार अंदाज में प्रस्तुत करने निकले हैं विकास कृष्ण। हरियाणा के गांव सिंगवा खास में जन्मे विकास ने 2010 में AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से अपना बॉक्सिंग करियर आरंभ किया और करीब एक दशक से विश्व बॉक्सिंग के पटल पर छाए हुए हैं। मार्च 2020 में एशिया ओशियानिया ओलंपिक बॉक्सिंग क्वालिफायर्स के दौरान जापान के सेवान ओकाजावा को 5-0 से हराकर विकास ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। टॉप स्कीम में हूँ तो वो भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है। आपके पास बेस्ट रिकवरी मेथड्स हैं, ऑसम ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, ऑसम ट्रेनर्स हैं, तो और आपको चाहिए क्या? भारत सरकार द्वारा प्रदान सुविधाओं और सहयोग के साथ अपने खेल को निरंतर बेहतर करने में जुटे रहने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता विकास कृष्ण यादव हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।